प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राजपूत जन चेतना मंच के बैनर तले राजपूत समाज ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। राजपूत जन चेतना मंच ने एक सुर में कहा कि कुछ घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो राजपूत समाज एकजुट हो आंदोलन करने को मजबूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। एक यति नरसिंहानंद सरस्वती नामक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो वायरल की सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने क्षत्रिय समाज को लेकर, क्षत्रिय समाज के हमारे जो सम्राट रहे, क्षत्रिय सम्राट रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, उनको लेकर और हिंदू समाज को लेकर बड़ी अमर्यादित और बड़ी घृणापूर्वक बातें कही हैं जो किसी भी तरह समाज के लिए किसी भी तरह सहनीय नहीं होंगी। समाज उसी के विरुद्ध आज इकट्ठा हुआ है और उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी व प्रधानमंत्री जी को कि ये व्यक्ति अगले 48 घंटे के अंदर अपने कहे गए वक्तव्य को वापस ले और समाज से, क्षत्रिय समाज से व हिंदू समाज से क्षमा मांगे कि उन्होंने जो हमारे बड़ों को, हमारे बुजुर्गों का जो उन्होंने किया है अपमान, वो बड़ा गलत था। साथ ही साथ उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्हें हत्यारा, जो हमारे क्षत्रिय समाज के शिरोमणि रहे हैं उनके लिए उन्होंने हत्यारा, चरित्रहीन जैसे, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल भी सहन नहीं होगा किसी भी स्तर पर। इस चीज़ के लिए समाज विरोध करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते समाज से और हिंदू समाज से, तो उसके बाद क्षत्रिय समाज कोई कठोर निर्णय लेकर उस पर कदम उठाएगा और किसी भी तरह से पीछे नहीं है।